कितनी सरकार आई और गई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के लोगों को आह्वान किए स्वच्छ भारत रखने में, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, नौजवान हों, 2 अक्टूबर को उनके महात्मा गांधी के कदमों में एक स्वच्छ भारत देने का काम करने के लिए आज श्रमदान सभी लोग कर रहे हैं। इतना बड़ा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान में सरकार की भी भूमिका रहनी चाहिए। जो बयानवीर मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ बड़े बड़े वादे नारे के साथ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए, सामूहिक भागीदारी में किसी काम को करके किस प्रकार बदलाव किया जा सकता है, इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है स्वच्छता अभियान। स्वच्छता सेवा अभियान के तहत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आज सारे देश में स्वच्छ भारत हेतु सारे देश के लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के साथ साथ सभी सामाजिक स्वयंसेवी संस्था आज अपने गांव या कस्बों हो या शहर हो, 1 घंटा श्रमदान करके जो आज़ादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा था, आज़ादी कितने वर्ष के बाद महात्मा गांधी के सपनों को, कितनी सरकार आई और गई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के लोगों को आह्वान किए और आज हम देख रहे हैं सामूहिक भागीदारी से आज स्वच्छ भारत रखने में, चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, नौजवान हों, आज हर लोग स्वच्छ भारत अभियान को पूरा करके श्रमदान करके 2 अक्टूबर को उनके महात्मा गांधी के कदमों में एक स्वच्छ भारत देने का काम करने के लिए आज श्रमदान सभी लोग कर रहे हैं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो ये जो स्वच्छता कर्मी हमारे पास बैठे हुए हैं, इन स्वच्छता कर्मियों को हम लोग ने सम्मान देते हुए, क्योंकि ये स्वच्छता कर्मी सही मामले में देखें तो हमारी माँ है। अगर स्वच्छता कर्मी नहीं होते तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता कर्मी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए अपने संवैधानिक संस्था का जो उल्लंघन करके जो स्थानीय निकाय का आपने चुनाव नहीं कराए, ये निश्चित रूप से हमारी राज्य की जनता देख रही है किस तरह संवैधानिक संस्था को नष्ट कर, उनके अधिकारों को छीन कर, जो इस राज्य में स्थानीय निकाय को अफसरशाही के द्वारा चलाने की जो कोशिश है, और परिणाम स्वरूप आज पूरे राज्य में स्थानीय निकाय के क्षेत्र में कचड़ों का अंबर लगा हुआ है। फिर भी जो हमारे पार्षदगण हैं या हमारे जो भी पूर्व नगर निगम के मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए और उसी जिम्मेदारी निभाते हुए आज अपने लोकप्रिय पार्षद रोशनी खालको के क्षेत्र में इस क्षेत्र में स्वच्छता अभियान की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि सरकार स्वच्छ झारखंड बनाने में कितनी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। तो ये सरकार जो बयानवीर मुख्यमंत्री है, सिर्फ बड़े बड़े वादे नारे के साथ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, तो आज राज्य की जनता भी देख रही है, और इतना बड़ा अभियान स्वच्छ भारत अभियान में सरकार की भी भूमिका रहनी चाहिए, तो भूमिका निभाने में यह सरकार विफल रही है। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in